हेलो दोस्तों, आज का इस फ्रेश कुमार वीडियो में मैं कुंजू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो फोर टाइप का मेजर कंडक्टर होता है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज होता है, वो है हमारा डबल एसी, ट्रिपल एसी, एसी एस आर एंड एसी ए आर कंडक्टर। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एसी एस आर कंडक्टर के बारे में, जो मैंने बताया था कि इसका जो पार्ट टू है आएगा, तो ये इसका पार्ट टू यानी कि टाइप्स ऑफ एसी एस आर कंडक्टर जो ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लगे तो देखते रहिए, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो कंडक्टर ऐसा एक सब्सटेंस है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है उसके अंदर आसानी से फ्लो हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो दोस्तों, एसी एस आर का मतलब है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स्ड, यानी कि ये जो कंडक्टर है हम ज़्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसी कंडक्टर के अंदर हम दो तरह की स्ट्रैंड देखने को मिलता है। एक है हमारा प्योर एल्यूमिनियम का कंडक्टर जिसकी वजह से हम बेटर एंड गुड कंडक्टिविटी मिलता है इसी कंडक्टर से, एंड स्टील की जो गाल्वान स्टील होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसी वायर से मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत साल एंड लॉन्ग लास्टिंग कंडक्टर है। तो इसलिए हम ज़्यादातर इसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, एसी एस आर कंडक्टर को यूज़ करने के लिए डिफरेंट वोल्टेज ग्रेड पर उसका जो साइज एंड डायमीटर है उसका डिफरेंट होता है अलग अलग वोल्टेज लेवल। तो इसलिए दोस्तों, इसका जो एल्युमिनियम एंड स्टील का जो स्टैंड होता है वो डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर वेरिएशन होता है कि कितना एल्युमिनियम का स्टैंड होगा और कितना स्टील का स्टैंड होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से वोल्टेज लेवल पर कितने साइज का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होता है, उसके एनुअल कोर नेम क्या है और इसका जो हर एक स्टैंड का डायमीटर क्या है, उसका करंट कैपेसिटी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एल टी लाइन से शुरू करता हूँ। दोस्तों, एल टी लाइन मीन हमारा जो डबल पॉट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उनमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में हम 11 के भी इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें 3 फेज 440 वोल्ट मिलता है और उसके साथ 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल भी मिलता है। तो उसी लाइन को हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए दे देते हैं गाँव में, घर घरों में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज होता है, तो उसी लाइन को हम बोलते हैं एल टी लाइन। दोस्तों, इस एल टी लाइन में जो हमारा तीनों फेज होता है आर वाई बी, उसके लिए हम 30 mm² वाला विजिल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसका जो एल्युमिनियम स्टैंड है वो 6 होता है और इसका जो स्टील का स्टैंड है वो 1 ही होता है। दोस्तों, जो 6 के पास जो ब्रैकेट में दिया है उसका एक स्टैंड का डायमीटर मैंने दे दिया है 2.59 और स्टील का भी जो डायमीटर है एक स्टैंड का 2.59। तो उजिल कंडक्टर जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर 114 एम्पेयर होता है और 75 डिग्री सेल्सियस पर 138 एम्पेयर होता है। तो दोस्तों, इस उजिल कंडक्टर का जो ओवरऑल डायमीटर होता है टोटल कंडक्टर जो ओवरऑल डायमीटर है वो 7.77 mm होता है और उसका जो ब्रेकिंग लोड होता है, ब्रेकिंग लोड का मतलब कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लोड हम इस कंडक्टर पर दे सकते हैं, यानी कि अगर इसी अमाउंट का जो लोड है उससे हम ज़्यादा देते हैं तो ये जो कंडक्टर है वो टूट जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग लोड। तो ये जो उसी कंडक्टर में ब्रेकिंग लोड होता है 11.12 kN होता है, तो उससे ज़्यादा अगर हम इसी कंडक्टर पर लोड देते हैं जो कंडक्टर है वो टूट जाएगा। और इसका जो वेट होता है वो 128 kg/km होता है, यानी कि 128 kg होता है पर किलोमीटर पर, यानी कि 1 km/128 kg होता है। और इसका जो यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसको हम 440 वोल्ट मैंने बता देते हैं 440 वोल्ट सप्लाई में हमारा जो थिनर पेज होता है आर वाई बी के लिए ये जो वेसल कंडक्टर है वो यूज होता है। दोस्तों, इस एल टी लाइन में जो हमारा न्यूट्रल पार्ट रहता है यानी कि न्यूट्रल वायर होता है उसके लिए हम अलग कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रल वायर के लिए हम 20 mm² वाला स्क्वायरल कंडक्टर यूज करते हैं। दोस्तों, जो स्क्वायरल कंडक्टर का जो एल्युमिनियम का वायर है वो सेम होता है उसी कंडक्टर के साथ, यानी कि स्क्वायरल कंडक्टर में भी हम 6 प्योर एल्युमिनियम स्टैंड देखने को मिलेगा और एक स्टील स्टैंड का वायर हमको देखने को मिलेगा। इसका जो डायमीटर होता है ये थोड़ा छोटा होता है उसी कंडक्टर की तुलना से, यानी कि एल्युमिनियम का जो स्टैंड एक स्टैंड का डायमीटर है वो 2.11 होता है और स्टील का भी डायमीटर सेम है 2.11 रहता है। तो इसी स्क्वायरल कंडक्टर में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर 89 एम्पेयर हो जाता है और 75 डिग्री सेल्सियस पर 107 एम्पेयर हो जाता है। दोस्तों, इसका जो स्क्वायरल कंडक्टर जो ओवरऑल डायमीटर होता है वो 6.33 mm होता है और इसका जो ब्रेकिंग लोड है 7.61 kN होता है। अगर इससे ज़्यादा हम लोड देंगे तो ये जो कंडक्टर है वो टूट जाएगा। और इसका जो वेट है
वो 85 kg पर किलोमीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका जो वेट है वो 85 किलो होगा, और इसको हम न्यूट्रल वायर जगह यूज करते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा एलटी लाइन, चले चलते हैं एसटी लाइन की तरफ। दोस्तों ये जो एसटी लाइन किसको बोलते हैं, जिसका मतलब है हाई टेंशन लाइन। तो ये जो हाई टेंशन लाइन हमें पावर स्टेशन से मिलता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फीडर, जहाँ पर क्या होता है हमें 11 kV आउटपुट मिलता है। तो इस 11 kV को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, यानी कि डबल पर स्ट्रक्चर के थ्रू इनपुट देते हैं और हमें 440 वोल्ट मिलता है। तो इस 11 kV ट्रांसमिट के लिए हम कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, 50 mm स्क्वायर वाला रैपिड कनेक्टर हम 11 kV को ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं, जिसका 6 जो है प्योर एल्यूमिनियम का स्टैंड है और एक स्टील का स्टैंड है। तो जिसका जो डायमीटर है वो एक स्टैंड का है 3.55 होता है, और इसका जो स्टील का भी स्टैंड है वो 3.55 होता है। तो इस रैपिड कंडक्टर में जो करंट कैपेसिटी होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर 157 एम्पीयर होता है, और 75 डिग्री सेल्सियस पर 190 एम्पीयर हो जाता है। तो इसका जो ओवरऑल डायमीटर है वो 10.05 mm होता है, और इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो 18.25 kN होता है। अगर इससे हम ज़्यादा लोड देंगे तो ये जो कंडक्टर है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और इसका जो वेट है वो 214 एम्पियर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में हम अगर ट्रांसमिट करेंगे तो 214 एम्पियर हमें इसका जो वेट है वो होगा, और इसको हम 11 kV में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फास्ट एसटी लाइन 11 kV के लिए। चलिए देखते हैं 33 kV के लिए। तो 33 kV में हम दो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 100 mm² होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 की जगह 50 mm² लिख दिया है दो कंडक्टर का जो एरिया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 100 होगा, मैंने गलती से 50 mm² टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर 100 mm² होगा दोस्तों। तो इसी डक कंडक्टर में हमें 6 प्योर एल्युमिनियम का स्टैंड देखने को मिलेगा और 7 स्टील स्टैंड देखने को मिलेगा। तो इसी एल्युमिनियम स्टैंड भी एक स्टैंड का डायमीटर कितना होगा, 4.72 mm होता है एक स्टैंड का डायमीटर। इसी और स्टील स्टैंड में एक स्टैंड का डायमीटर कितना है, 1.57 mm होता है। तो डुअल कंडक्टर में करंट कैपेसिटी कितना होगा, तो 65 डिग्री सेल्सियस पर 239 एम्पियर होगा, और 70 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 291 एम्पियर करंट इसमें होगा। तो इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो कितना है, 32.41 kN होता है। अगर हम 32 से ज़्यादा हम लोड देंगे तो ये जो कंडक्टर है वो टूट जाएगा, और इसका जो वेट है कितना होगा, 1 किलोमीटर पर 394 kg होगा। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर ट्रांसमिट करेंगे दो कंडक्टर को, तो इसका जो टोटल वेट है वो 394 kg होगा। तो इसलिए हम इसे 33 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं डक कंडक्टर। तो दोस्तों ये रहा डक कंडक्टर, अच्छे चलते हैं 66 kV की तरफ। तो दोस्तों 66 kV ट्रांसमिट करने के लिए हम 150 mm² वाला ओल्प कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें 30 प्योर एल्युमिनियम स्टैंड देखने को मिलेगा और 7 स्टील स्टैंड हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसे एल्युमिनियम स्टैंड का एक स्टैंड का डायमीटर कितना है, 2.59 mm होता है एक स्टैंड का डायमीटर, और इस स्टील के में भी 2.59 mm होता है एक स्टैंड का डायमीटर। तो इसे ऑल कंडक्टर में करंट कैपेसिटी कितना होगा, तो 239 एम्पियर होगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका जो 75 डिग्री सेल्सियस पर 405 एम्पियर होगा इसका जो करंट कैपेसिटी। ऑल कंडक्टर जो ओवरऑल डायमीटर है वो कितना है, 18.13 mm होता है इसका ओवरऑल डायमीटर, और इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो कितना है, 67.34 kN होता है, और इसका जो वेट है वो कितना है, 727 kg पर किलोमीटर है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 976 लिख दिया है, ये मेरा मिस्टेक है। तो जो वॉल कंडक्टर का जो वेट है वो कितना है, 727 kg पर किलोमीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे हम तो कितना के वेट होगा, 727 kg। तो इसलिए हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, 66 kV लाइन की तरफ, 66 kV ट्रांसपोर्ट के लिए इसी वॉल कंडक्टर का हम यूज करते हैं। दोस्तों ये हो गया 66 kV के लिए, अच्छा चलते हैं 132 kV में कौन सा कंडक्टर हम यूज़ करेंगे। तो 132 kV के लिए हम 200 mm² वाला पैंथर कंडक्टर यूज़ करेंगे, जिसमें हमें 30 प्योर एल्युमिनियम स्टैंड देखने को मिलेगा और 7 हमारा जो स्टील स्टैंड देखने को मिलेगा। तो इसी पैंथर कंडक्टर में हम जो एल्युमिनियम का स्टैंड है वो एक स्टैंड का डायमीटर कितना है, 3.00 mm होता है एक स्टैंड का डायमीटर, और स्टील का भी 3.00 होता है एक स्टैंड का डायमीटर। तो इस पैंथर कंडक्टर जो करंट कैपेसिटी कितना होगा, तो 395 एम्पियर होगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, और 487 एम्पियर होगा 75 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पैंथर कंडक्टर में जो ओवरऑल डायमीटर कितना है वो 21.00 mm होता है, यानी कि इसका जो ओवरऑल टोटल डायमीटर है वो 21.00 है, और इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो कितना है, 89.67 किलो न्यूटन, और इसका जो वेट कितना होगा,
9 7 6 kg/km, यानी कि 1 किलोमीटर अगर ट्रांसपीड करेंगे तो कितना 1 kg होगा, 9 7 9 7 6 kg। तो इसलिए इसको हम 132 kg ट्रांसपीड करने के लिए यूज करते हैं। तो अब से चले चलते हैं 220 kg ट्रांसपीड की तरफ। दोस्तों 220 kg ट्रांसपीड करने के लिए हम 420 mm² वाला जेब्रा कंडक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हमें जो 55 एल्युमिनियम कंडक्टर देखने को मिलेगा, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो 3.18 एक स्टैंड का डायमीटर है। और हमें 7 स्टील स्टैंड देखने को मिलेगा, जिसका जो एक स्टैंड का डायमीटर कितना है, वो 3.18 mm होता है। तो ये जो जेब्रा कंडक्टर जो करंट कैपेसिटी कितना है, वो 590 एम्पियर, यानी कि 590 एम्पियर होगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 65 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और 737 एम्पियर होगा 75 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस जेब्रा कंडक्टर में जो ओवरऑल डायमीटर, टोटल ओवरऑल डायमीटर कितना है, वो 28.62 mm है इसका जो ओवरऑल डायमीटर। और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है, तो 130.32 kN। अगर इससे हम ज़्यादा देंगे तो ये जो कंडक्टर है वो ब्रेक कर जाएगा। तो इसका जो वेट कितना होगा, 1621 kg/km, यानी कि हम अगर 1 किलोमीटर ट्रांसपीड करेंगे तो इसका केजी कितना होगा, 1621 kg। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, 22 kg ट्रांसपीड पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 220 kg के लिए जेब्रा कंडक्टर। अब चलिए चलते हैं 400 kg की तरफ। दोस्तों 400 kg में हम 520 mm² वाला मूस कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मूस कंडक्टर में हम 54 हमको एल्युमिनियम कंडक्टर देखने को मिलेगा और 7 स्टील का स्टैंड देखने को मिलेगा। तो इस एल्युमिनियम कंडक्टर में जो एक स्टैंड का डायमीटर कितना होगा, 3.53 mm होगा। यानी इस स्टील स्टैंड का भी एक स्टैंड का डायमीटर कितना होगा, 3.53 mm होगा। तो इस मोस्ट कंडक्टर में करंट कैपेसिटी कितना होगा, 667.667 एम्पियर होगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 836 एम्पियर होगा 75 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस मोस्ट कंडक्टर में जो ओवरऑल डायमीटर वो कितना है, वो 31.77 होता है इसका ओवरऑल डायमीटर, इस मूस कंडक्टर का। तो इस मूस कंडक्टर में जो ब्रेकिंग लोड कितना होगा, 159.60 kN। तो इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो 159.60 kN है। और इसका जो वेट कितना होगा, वो 1998 kg होगा 1 किलोमीटर ट्रांसपीड करने के लिए। तो अगर हम 1 किलोमीटर ट्रांसपीड करते हैं मूस कंडक्टर को, तो हमारा जो कितना केजी होगा, 1998 kg होगा। तो इसलिए हम इसे कहाँ पर यूज करते हैं, 400 kg ट्रांसपीट करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सारा SSR कंडक्टर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने कितने वोल्टेज पर कौन सा कंडक्टर यूज किया। दोस्तों हमने 440 वोल्टेज पर, यानी कि 440 वोल्टेज पर जो 3 RYB के लिए हम विसिल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और न्यूट्रल के लिए हम स्क्वायर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा आता है 11 kV, तो 11 kV के लिए हम रैपिड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और 33 kV के लिए हम डो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। देन आता है हमारा ट्रांसमिट पर्पज ट्रांसमिशन टावर, तो 66 kV के लिए हम वॉल्व कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और 132 kV ट्रांसमिट करने के लिए हम पैंथर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और 220 kV के लिए हम जेब्रा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और 400 kV के लिए ट्विन मोस्ट कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा SSR कंडक्टर जो एनिमल कोड नेम, और इसका वोल्टेज ग्रेड पर कितना कौन सा कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। तो ये रहा इसका वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सारे अपने रिलेटेड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगर कोई भी नया सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके से मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक।